हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर दिवाकर सर। बच्चों, आज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो चैप्टर है आपका प्लस वन का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले नीट एग्जाम में आपके लिए बड़े यूजफुल हो सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलो उन क्वेश्चंस पर चलते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को मैं आपको खुद सॉल्व करके बताऊंगा, और इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है ये तरीका भी बताऊंगा, इन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका हो सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 8 सेल्स। तो इस क्वेश्चन का करने का तरीका ये है कि आप पहले माइटोसिस से 8 सेल्स बना के देख लो। तो एक सेल है ये, एक से हमने 2 सेल बनाए, क्योंकि माइटोसिस में हर डिवीजन के बाद सेल का नंबर क्या होता जाता है, डबल होता जाता है, तो ये डबल हो गया नंबर। तो डबल हो करके अब हमने कितने सेल्स बना लिए, 8 सेल्स बना लिए, है ना। काउंट करके देख लो टोटल, ये 8 सेल्स हैं। नहीं, अब ये 8 सेल्स को बनाने में कितने माइटोसिस की जरूरत पड़ेगी, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो अब देखो माइटोसिस को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका ये है कि जितने आपसे सेल्स पूछे गए हैं उसमें एक कम कर देना चाहिए। जैसे हमारे सवाल में था 8 सेल्स, तो 7 डिवीजन की जरूरत पड़ी। यदि यही 12 होता तो 11 डिवीजन की जरूरत पड़ती। तो फॉर्मूला होता है इसका n-1, तो टोटल आपके एन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है, तो 8-1 कितना हो गया, 7। तो इसका आंसर हो गया 7। तो ये बड़ा इजी तरीका है इसको करने का। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी जनरेशंस ऑफ माइटोसिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 8 सेल्स। जनरेशन पूछा गया है कि माइटोसिस से 8 सेल्स बनाने के लिए कितने जनरेशन की जरूरत पड़ेगी। ये पहले जनरेशन से कितने सेल बने, दो। दूसरे जनरेशन से कितने सेल बने, 4। और तीसरे जनरेशन से कितने सेल बने, 8। तो क्या हो गया इसका आंसर, 3 जनरेशन। तो 3 जनरेशन के बाद आपके पास कितने सेल्स हो गए, 8 सेल्स हो गए। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से किया जाता है। अब है कि हाउ मेनी मियोटिक, अब यहाँ पर डिवीजन आ गया मियोसिस, तो हाउ मेनी मियोसिक मियोटिक डिवीजन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 जायगोट। बच्चों क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जायगोट जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, और फर्टिलाइजेशन में एक स्पर्म और एक एग मिलकर के एक जायगोट बनाते हैं। तो एक जायगोट के लिए एक स्पर्म और एक एग की जरूरत पड़ती है। तो हमें 100 जायगोट बनाने हैं, तो 100 स्पर्म्स की जरूरत पड़ेगी और 100 एग की जरूरत पड़ेगी। 100 स्पर्म बनाने के लिए कितने मियोसिस चाहिए, आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रखा होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस गिव्स राइज टू 4 स्पर्म्स। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में एक पूरा मियोसिस होने के बाद 4 स्पर्म बनते हैं। तो एक डिवीजन से 4 स्पर्म बन रहे, तो हमें 100 स्पर्म चाहिए, तो 25 मियोसिस की जरूरत पड़ेगी स्पर्म स्पर्मेटो जेनेसिस के समय। मतलब 100 स्पर्म्स बनाने की जरूरत है आपको, 100 स्पर्म के लिए आपको 25 मियोसिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मियोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4। लेकिन एग के साथ वो बात नहीं है, हर मियोटिक डिवीजन के बाद एग तो एक ही बनता है, बाकी सारे तो पोलर बॉडीज बनती हैं, और पोलर बॉडीज फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करती नहीं, तो वो डिजेनरेट हो जाती। तो अब हमें क्या है कि 100 जायगोट बनाने हैं, तो 100 स्पर्म सही। तो 100 स्पर्म के लिए आपके पास कितने मियोसिस की जरूरत पड़ेगी, 25, लेकिन एग के लिए तो 100 नहीं, क्योंकि एक मियोसिस के बाद एक ही एग का फॉर्मेशन होगा, एक ही एग का फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि बाकी जो बनती है वो पोलर बॉडीज बनती है, पोलर बॉडी फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। इसका फॉर्मूला है बेटा n+n/4, इसका फॉर्मूला है n+n/4। एन किसके लिए, ऊ जेनेसिस के लिए। 100 जायगोट चाहिए तो 100 मियोसिस की जरूरत पड़ेगी, 100 स्पर्म चाहिए तो n/4, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना हो जाएगा, 20
ये 25 हो गया, और 100 कितना हो गया, 125। 125 मियोसिस के बाद 100 जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। एन प्लस एन हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, और एन बाय फोर हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब ये जो अगला सवाल है, ये सवाल बड़ा ट्रिकी है, और इस तरह के क्वेश्चंस यदि आ जाते हैं और यदि आप सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली इसका एज मिलेगा आपको बाकी बच्चों पर। क्वेश्चन है कि इफ 2n नंबर डिप्लॉयड नंबर है किसी ऑर्गेनिज्म का, कितना डिप्लॉयड नंबर ऑफ ए क्रोमोजोम इन ए सेल इज 4। चार है 2n नंबर, एक सेल है जिसमें क्रोमोजोम नंबर 4 है, तो क्रोमोजोम का नंबर इन सारे स्टेजेस में क्या होगा। पहला स्टेज पूछा गया कि माइटोसिस के मेटाफेज में कितना होगा, और माइटोसिस के ही एनाफेज में क्या होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। माइटोसिस में क्या इवेंट होते हैं अलग अलग स्टेजेस में, मेयोसिस के क्या इवेंट होते हैं अलग अलग स्टेजेस में, वो स्टेजेस के इवेंट्स आपको पता होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कि माइटोटिक मेटाफेज, मेटाफेज में क्रोमोसोम इक्वेटर पर आता है, और माइटोसिस का जो मेटाफेज होता है उसमें क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेट बनाता है। तो चार क्रोमोसोम है, तो चारों क्रोमोसोम को हम क्या करेंगे, एक इक्वेटोरियल, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटेड होते हैं, ये दो क्रोमेटेड होते हैं, तो चार क्रोमोसोम है, तो चार क्रोमोसोम हमने बना दिया, ये चार क्रोमोसोम हमने बना दिया। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटेड हैं, चार, दो क्रोमेटेड। ये क्रोमेटेड आपस में सेंट्रोमेयर से अटैच होते हैं, ये सेंट्रोमेयर से अटैच है, ये एक इक्वेटोरियल प्लेट है, और इसको अब हम क्या करेंगे, स्पिंडल पोर से कनेक्ट करते हैं, इसको स्पिंडल पोर से हमने कनेक्ट कर दिया। तो क्वेश्चन ये था, पहला पार्ट है कि क्रोमोसोम नंबर 4 है सेल में, तो माइटोसिस के मेटाफेज में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा। 4 ही रहेगा, आपके पास सामने है डायग्राम माइटोसिस का, माइटोसिस के मेटाफेज में सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन होता है आपके सामने 4। लेकिन एनाफेज में क्या होता है बेटा, कि एनाफेज में ये जो सेंट्रोमेयर थे वो डिवाइड करते हैं, और सेंट्रोमेयर जब डिवाइड करते हैं तो दोनों क्रोमेटेड के पास अपना अपना सेंट्रोमेयर हो जाएगा। जैसे ये अलग हो गया, नहीं ये अलग हो गया, इसके पास भी अपना सेंट्रोमेयर है, इसके पास भी अपना सेंट्रोमेयर, इसके पास भी अपना सेंट्रोमेयर है, इसके पास भी अपना सेंट्रोमेयर, नहीं तो दोनों हर क्रोमेटिड के पास अपना अपना सेंट्रोमेयर हो गया। माइटोसिस के एनाफेज का यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहाँ पर सेंट्रोमेयर डिवाइड करते हैं, और डिवीजन के बाद हर क्रोमेटिड के पास खुद का सेंट्रोमेयर हो जाता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये लर्न करना है आपको कि यदि किसी क्रोमेटिड के पास खुद का सेंट्रोमेयर प्रेजेंट हो तो वो अब क्रोमेटिड नहीं रह गया, वो क्रोमोसोम हो गया। हाँ बेसिक, इसको डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं, इसको क्रोमोसोम कहते हैं और इसको डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं। तो एनाफेज में, एनाफेज में जब हम देखेंगे तो एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया, 8। माइटोसिस में कितना था, 4। तो माइटोसिस के मेटा, यदि 2n नंबर है क्रोमोसोम का किसी सेल के अंदर, तो मेटाफेज में, माइटोसिस के मेटाफेज में तो 4 ही रहेगा, लेकिन एनाफेज में 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एनाफेज में सेंट्रोमेयर डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करते हैं तो हर क्रोमेटिड के पास खुद का सेंट्रोमेयर हो जाता है, खुद का भी सेंट्रोमेयर हो गया, तो वो अब वो क्रोमेटिड नहीं रहे, अब वो क्रोमोसोम हो गया, तो ये डबल हो जाएगा नंबर क्रोमोसोम। अब दूसरा क्या पूछा गया है, दूसरा पूछा गया है कि मियोसिस के एनाफेज में क्या होगा, मियोसिस के एनाफेज में क्या होगा, और एनाफेज 1 में क्या होगा और एनाफेज 2 में क्या होगा। तो मियोसिस के एनाफेज का डायग्राम समझने के पहले मियोसिस के मेटाफेज का डायग्राम समझिए, तभी आप समझ पाएंगे। तो मियोसिस के मेटाफेज में क्या होता है, मियोसिस मेटाफेज 1 में क्या होता है, कि क्रोमोसोम एक इक्वेटर पर नहीं रहते, इक्वेटर पर रहते हैं, इक्वेटर पर लेकिन दो इक्वेटोरियल प्लेट बनाते हैं, तो चार क्रोमोसोम है, तो चार क्रोमोसोम में दो दो क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज होता है, ये दो दो क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज होता है ना, ये क्रोमोसोम है और ये इसका सेंट्रोमेयर है, ये सेंट्रोमेयर हमने बना दिया, तो और ये स्पिंडल पोल से जुड़ा हुआ है, ये मेटाफेज 1 का डायग्राम, मेटाफेज 1 ऑफ
मियोसिस, ठीक है। तो ये एक इक्वेटोरियल प्लेट हो गया, एक ये इक्वेटोरियल प्लेट हो गया। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम का नंबर 4 ही है, लेकिन पूछा गया है क्या हमें, पूछा गया है मियोसिस के एनाफेज 1 में। एनाफेज 1 में क्या होता है बेटा, कि एनाफेज 1 में ये क्रोमेटिड, ये जो क्रोमेटिड है, ये जो क्रोमोसोम है, यहाँ पर माइटोसिस की तरह, माइटोसिस से अलग यहाँ पर जो सेंट्रोमेयर होता है वो सेंट्रोमेयर डिवाइड नहीं करता, तो ये इधर चला जाएगा और ये भी इधर चला जाएगा। नहीं, ये दोनों इक्वेटर से किधर चले जाते हैं, पोल पर, यहाँ पर पोल पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर में कोई फर्क होगा नहीं, जैसे अभी हमने किया था इस वाले में, पिछले सवाल में, कि एनाफेज में नंबर डबल हो गया था, यहाँ पर डबल नहीं होगा, तो 4 का 4 ही रहा, 4 का 2 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, 2 और 2 कितने हो गए, 4 रह गए। तो मियोसिस के एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर कितना रह गया बेटा, 4, 4 रह गया। अब हम एनाफेज 2 का देखेंगे, जब मियोसिस 1 पूरा हो जाएगा तो, और क्रोमोसोम का नंबर, यदि मियोसिस किसी डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम का नंबर 4 है, तो मियोसिस 1 पूरा होने के बाद जो 2 डॉटर सेल बनेगा, दोनों में क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, 2। अब ये जब मियोसिस 2 में जाएगा, ये मियोसिस 2 में जाएगा, ये मियोसिस 2 में जाएगा, तो पूछा गया कि एनाफेज 2 में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा। तो अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम मियोसिस 2 का जो मेटाफेज है उसका डायग्राम बनाएंगे। तो उसका डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर तो एक ही इक्वेटोरियल प्लेट बनता है, और मियोसिस 1 के बाद सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना था, मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर था 2, तो 2 क्रोमोसोम, और ये एक एक इक्वेटोरियल प्लेट, ये स्पिंडल से जुड़ गया। ये मेटाफेज 2 का डायग्राम है, मेटाफेज 2, मियोसिस के मेटाफेज 2 का डायग्राम है, 2 क्रोमोसोम है, डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम। अब जब ये एनाफेज में आएगा तो एनाफेज में ये सेंट्रोमेयर डिवाइड करेगा, क्योंकि माइटोसिस जो होता है, मियोसिस जो होता है, मियोसिस 2 के जो इवेंट्स हैं वो एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह, तो ये जो सेंट्रोमेयर है ना वो डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा तो हर क्रोमेटिड के पास खुद का सेंट्रोमेयर हो जाएगा, खुद का सेंट्रोमेयर हो जाएगा, और सेंट्रोमेयर हो गया तो इसके इसके पास भी अपना सेंट्रोमेयर, इसके पास भी सेंट्रोमेयर, इसके पास भी सेंट्रोमेयर, तो अब ये क्रोमेटिड नहीं रहा, क्रोमोसोम हो गया। तो 1, 2, 3, 4, इसका नंबर भी कितना हो जाएगा, 4। बस फर्क यह है कि यहां पर जो क्रोमोसोम 4 थे वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में थे, यहां पर वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बड़े ट्रिकी होते हैं और बड़े ध्यान से करने की जरूरत पड़ती है, वही तरीका मैंने इसलिए डायग्राम बना के बताया कि इस डायग्राम को फॉलो करोगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ डीएनए इन ए सोमैटिक सेल एट G2 इफ इट्स मेयोटिक प्रोडक्ट हैव 20 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। तो अब बेटा इसको ऐसे समझो कि मेयोटिक प्रोडक्ट मतलब एक सेल 4 सेल में डिवाइड हो चुका है, तो पहले वो डायग्राम बनाते, एक सेल से हम 4 सेल बनाते, एक ये सेल है और एक से 2 बनेगा, और 2 से कितना बनेगा, 4 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये मियोसिस 1 है और ये मियोसिस 2 है, एक मियोसिस 1 और मियोसिस 2, मियोसिस 1, मियोसिस 2, मियोसिस से एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं, 4। यहाँ पर डीएनए का अमाउंट पूछा गया आपको, क्रोमोसोम नहीं, इसमें फर्क है दोनों, मियोसिस में डीएनए का अमाउंट पूछा जाए और क्रोमोसोम का अमाउंट नंबर पूछा जाए तो इसमें फर्क आएगा, हम यहाँ पर आपको अभी डीएनए बता रहे हैं। पूछा गया है कि मियोटिक प्रोडक्ट, मियोटिक प्रोडक्ट तो ये है, तो मियोटिक प्रोडक्ट में के एक सेल में कितना नंबर है, डीएनए का कितना अमाउंट है, 20 पिकोग्राम, तो 20 पिकोग्राम इसका है, तो इसके मदर सेल में तो कितना होगा, 40 होगा, तभी तो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होएगा, आधा डीएनए इसमें चला जाएगा, आधा डीएनए इसमें चला जाएगा, तो इसमें कितना होगा, 40 पिकोग्राम होगा, और इसके मदर सेल में कितना होगा, 80 पिकोग्राम, 80 पिकोग्राम, 80 पिकोग्राम था, तो इसने आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट किया 2 डॉटर सेल को। अब इसके पास है, ये भी आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपना डीएनए 2 डॉटर सेल को, तो इसका नंबर आपके क्वेश्चन में दे रखा है और इसका नंबर पूछा गया है सोमैटिक सेल का, कि ओरिजिनल सेल में कितना था, तो ओरिजिनल सेल में तो
80 पिकोग्राम था। अब यहाँ पर एक बात और भी आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो सेल डिवाइड करता है, जो सेकेंड मियोसिस होता है, सेकेंड मियोसिस के पहले जो एक छोटा सा इंटरफेज होता है जिसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं, तो इंटरकाइनेसिस में डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता। यदि होता तो ये 40 कितना हो जाता, 80 में कन्वर्ट हो जाता। ये बात ध्यान में रखना, ये 40 का 40 ही रहेगा, क्योंकि इंटरफेज जो सेकेंड वाला होता है जिसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं, वहां पर डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होता। डीएनए डुप्लीकेशन एक ही बार होता है, और वो होता है ये मियोसिस स्टार्ट होने के पहले, है ना। तो G2 तो इसके पहले होगा ना, तो S में ऑलरेडी डबल हो जाता है, और G2 में जितना S में है उतना ही G2 में रहेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, आपको बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं आने वाले नीट एग्जाम के लिए। इस तरह के क्वेश्चंस मैं कुछ न कुछ बीच बीच में आपको कराता रहूँगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस मैंने आज आपको सॉल्व करा है, इससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। आज के लिए इतना ही, फिर हम एक अलग टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में अपीयर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।